नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। बेहद खास ये दौरा है। गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। राजगीध संरक्षण केंद्र का सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करने वाले हैं। गोरखपुर में एशिया का पहला राजगीध संरक्षण बनकर तैयार हो चुका है। और आपको बता दें कि अपने आप में ये दौरा बेहद खास है। कई अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। सबसे खास ये खुद सीएम मौजूद रहने वाले इसका उद्घाटन करेंगे। आपको ये भी बता दें कि कैंपरंगंज में बना है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। तो ये बड़ी खबर आ रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। बेहद खास ये दौरा है। आज दूसरा दिन है सीएम के दौरे का और आज भी कई कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन जो सबसे खास कार्यक्रम है वो राजगीध संरक्षण केंद्र का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और उसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। गोरखपुर में एशिया का पहला राजगीध संरक्षण बनकर तैयार हो चुका है। तो कैंपियरगंज में बना है जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। 3 दिवसीय का ये दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। आज दूसरा दिन है। आज भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री शरीक होने वाले हैं। और जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहते हैं और इस बीच वो कई कार्यक्रम में मौजूद भी रहते हैं। इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी हरेंद्र गोरखपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन है, बेहद खास ये दौरा माना जा रहा है। कौन कौन से वो तमाम कार्यक्रम जिसमें शरीक होंगे सीएम? दौरे का दूसरा दिन है और दौरे के दूसरे दिन कार्यक्रम लगे हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि बन करके मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले सुबह जनता दर्शन का कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर में लगेगा 8 बजे के आसपास, और उसके बाद 10:30 बजे वो निकलेंगे जटायु संप्रेक्षण गृह कैंपियरगंज के लिए। कैंपियरगंज में मुख्य अतिथि के तौर पर वहां देखे जाएंगे जो देश का एशिया का सबसे पहला जटायु संरक्षण गृह बन रहा है गिद्धों को संरक्षण करने के लिए। और उसके बाद कई फोर लेन का उद्घाटन करते नजर आएंगे, कई ओवर ब्रिज का उद्घाटन करते आएंगे, नए थाने का शिलान्यास करते नजर आएंगे। तो आज पूरे दिन तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का व्यस्ततम कार्यक्रम लगा है। यही नहीं, आपको बता दें कि दौरे के दिन ही जब कल उनका आगमन हुआ, आगमन के बाद शिक्षकों का सम्मान करने के बाद जहां उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम लगा फर्टिलाइजर स्थित सैनिक स्कूल में, उस स्कूल पर भी गए, निरीक्षण किए, कमियों को पूरा करने का निर्देशित किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उप महामहिम का भव्य स्वागत गोरखपुर योग स्थली गुरु गोरखनाथ की धरती पर होना चाहिए और करने के लिए कार्यकर्ता सहित सभी समस्त अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया। कुल मिलाकर आज कई 1-to-1 कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री शरीक होंगे। और इसी के साथ अक्सर हम देखते हैं जब भी वो गोरखपुर के दौरे पर रहते हैं तो जनता दरबार जरूर लगाते हैं। उम्मीद है कि आज के इस जनता दरबार में भी कई समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही हरेंद्र, हम अक्सर देखते हैं कि इसी जनता दरबार में अधिकारियों को वो फटकार भी लगाते हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं। तरन्नुम, में बहुत सही आपने बात कही कि खास तौर से जब गोरखपुर रहते हैं तो जनता दर्शन का कार्यक्रम अवश्य लगाते हैं। यह कोई मुख्यमंत्री बनने के बाद तरन्नुम पहला मामला नहीं है कि मुख्यमंत्री जनता दर्शन लगा रहे हैं। जब सांसद थे तभी भी जनता दर्शन का कार्यक्रम लगा करके पूर्वांचल की जनता की समस्या सुनने का काम करते थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लगातार वो अनवरत सिलसिला जारी है। और आज उसी कड़ी में जनता दर्शन का कार्यक्रम लगा करके पूर्वांचल के अनेक जिलों की आई कि जनता की समस्या सुनेंगे, और उसके बाद जो है कि जटायु संप्रेक्षण गृह जाएंगे जहां पर गिद्धों को संरक्षित करने का पहला जो कि केंद्र बन रहा है। और मुख्यमंत्री जीव जंतु के साथ साथ पशु पक्षी और मासूम बच्चों से अधिक प्रेम करते नजर आए, उसका नजारा आज देखने को मिलेगा। और बिल्कुल हरेंद्र, और अक्सर हम देखते भी है मुख्यमंत्री का पशु पक्षियों के साथ जो प्रेम है उसकी कई तस्वीरें हमने भी देखी है, और आज कहीं ना कहीं वैसी एक झलक एक बार फिर से देखने को मिलेगी।
एक बार देखने को मिलेगी। खास तौर से सुबह आज दिनचर्या में उनके शामिल है कि जब गोरक्षनाथ मंदिर में रहते हैं, सुबह उठते हैं, भ्रमण पर निकलते हैं और गौ सेवा करते भी नजर आते हैं। गौ सेवा के बाद ही जनता दर्शन का कार्यक्रम लगता है। जनता दर्शन के कार्यक्रम के बाद अन्य जो कार्यक्रम शासन द्वारा निर्धारित रहते हैं उन कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, तो सबसे पहले गौ सेवा करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। तरन्नुम, बिल्कुल। और क्योंकि हरिंद्र आप ग्राउंड जीरो पर हैं, तो जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि जब संरक्षण का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उनके अलावा कौन कौन वहां पर मौजूद रहेगा, वहां पर किस तरह की तैयारियां? देखिए, वहां पर गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन मौजूद रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विधायक मौजूद रहेंगे। यही नहीं, हो सकता है कि महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से भी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विधायक हैं या जो वहाँ के सांसद हैं वो अभी मौजूद रहे, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन गोरखपुर जिले के समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और वन विभाग से जुड़े वन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। खास तौर से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए वन विभाग किसी तरह की कोताही नहीं कर रहा है, वन विभाग से जुड़े समस्त अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल हरिंद्र, अपने आप में तैयारियां तमाम, खास से नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज मुख्यमंत्री के दौरे का दूसरा दिन है, बेहद खास ये पूरा दौरा माना जा रहा है।